हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गवी कोचिंग क्लासेस। दिस इज दुर्गा प्रशांत। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन आपने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हमने डिफरेंशिएशन कर रहे थे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जिसका फॉर्मूला था एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। हम लोग इस प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते थे, जो कि थोड़ा सा लेंदी मेथड होता था, लेकिन इन ट्वेल्थ और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमें ये प्रिंसिपल यूज़ नहीं करना है। देखिए, प्रिंसिपल यूज़ करके डेरिवेटिव निकालना ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करें। तो ट्वेल्थ में हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। देखिए, आपको इस चैप्टर में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, उसको बोलता है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना मतलब होता है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव निकालना है मतलब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है मतलब ही डेरिवेटिव निकालना है। देखिए, डेरिवेटिव का मतलब समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं से शुगर केन। अगर हम लोग शुगर केन को प्रोसेस करेंगे तो उससे शक्कर बनती है, तो शक्कर भी बन सकती है शुगर केन से और गुड़ भी बन सकता है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि प्रोसेस वन से शक्कर बनेगी, प्रोसेस टू से गुड़ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो शक्कर है वो शुगर केन का एक पार्ट है और गुड़ भी एक शुगर केन का पार्ट है। लेकिन हम लोग प्रोसेस वन से जाएंगे तो हमको शक्कर मिलेगा और प्रोसेस टू से जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, गुड़। उसी प्रकार डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बड़े पार्ट का एक छोटा हिस्सा। जैसे शुगर केन क्या हुआ, बहुत बड़ा पार्ट हुआ, उसको प्रोसेस किए, डिफरेंशिएट किए, डेरिवेटिव किए, तो उसका हम लोग क्या मिला, उसका डेरिवेटिव शुगर या फिर गुड़। हम लोग प्रोसेस वन से गए तो शुगर, प्रोसेस टू से गए तो गुड़। वैसे ही हमको यहाँ पे बोलता है ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स, तो ये हमारा क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। मीन्स जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में और जो भी आता है उसे फाइंड आउट करो, और जो भी जो आएगा वो उस फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखते हैं, जब लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको डिनोट कैसे करते हैं। पहले सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको मान लेते हैं 2x प्लस 3। इसको सपोज इसको इक्वल्स टू y भी मान सकते हो। अभी हमको क्वेश्चन कैसा लिखा रहता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। तो हम लोग क्या होता है, जो इसको डिफरेंशिएट करें तो उसको एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, या फिर डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास वाई है तो वाई को वाई डैश भी लिख सकते हैं, या फिर डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज हमको इसका होगा, क्योंकि हमको जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो वाई की वैल्यू देंगे। ऐसा लिखा रहेगा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हम लोग किसको डिफरेंशिएट करना है, y को, और y की वैल्यू को भी साथ। अगर हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब y की वैल्यू भी डिफरेंशिएट हो रही है। अब देखिए, मतलब इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, f डैश x, उसी को क्या लिखे हमने, d f ऑफ x अपॉन d ऑफ x। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है, अगर हम लोग को डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, इसका मतलब y के जगह हम लोग ये रख सकते हैं, तो क्या होगा, d 2x प्लस 3 अपॉन डी एक्स। देखिए, हमारा फंक्शन x में था इसलिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू x में किए। मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल एक और रहता z, तो यहाँ पे भी प्लस z रहता, विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो अदर देन x जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा,
कॉन्स्टेंट हो जाएगा फॉर दिस फंक्शन. ओके, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एक्स की चीज को ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वाई को डिफ्रेंशिएट, सॉरी जेड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये पांच अलग अलग फंक्शन में हो सकते हैं, जैसे उसको बोलते हैं लिएट, एल आई ए टी ई. ये कोई वर्ड नहीं है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है. अब लिएट, ये एल जो है इसका मतलब होता है लॉगरिथमिक. अब लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब कैसा, लॉग वन प्लस एक्स, ये देखो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया. आई मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन मतलब देखिए मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया. ए ए मीन्स अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब यही देखो 2x प्लस 3 है ना, तो यहाँ पे लिख ले 2x प्लस 3, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया. T मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री मतलब मालूम है आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे साइन x ले लिए या कॉस x ले लिए, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. E मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी के भी पावर में, फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर x प्लस 2, a टू द पावर 2x प्लस 4, ये सब क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, मतलब किसी के पावर में रहा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया. तो हमें इस डेरिवेटिव चैप्टर में हमें सब जो फंक्शन मिलेगा हमको एफ ऑफ एक्स, हमको इसी पांचों फॉर्म में मिलेगा. जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो इसमें थोड़े से अलग अलग स्टेजेस भी आते रहेंगे. फॉर एग्जांपल जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन का एडिशन भी रहेगा, ठीक है, एडिशन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा या मल्टीप्लिकेशन रहेगा या डिवीजन रहेगा, सबके एक अलग अलग फॉर्मूले हैं जो आपके पेज नंबर 2 में दिए हुए भी है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे. इसके बाद आगे जाके ना कंपोजिट फंक्शन भी आएगा. कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया. देखो साइन एक्स, इसको एक्स मान सकते हो आप, साइन एक्स ये एक फंक्शन हो गया, लेकिन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है ना, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन. मतलब इसका जनरल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स. तो मतलब क्या हो गया, एफ उसके अंदर हो गया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अलग फंक्शन हो गया और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये अलग फंक्शन हो गया. देखिए कंपोजिट का मतलब होता ही है मिला हुआ, तो देखिए ये कैसा है, मिला हुआ फंक्शन है इसलिए कंपोजिट फंक्शन है. डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेस देख लेंगे और उसके कुछ रूल्स देख लेंगे. आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. देखिए यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, उसको हमने वाई मान लिए. यहाँ पे क्या दिया है एफ डैश एक्स, मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है. मतलब ये कॉलम में क्या मिलेगा आपको, फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा और इस कॉलम में आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई. तो सबसे पहले एक फंक्शन है सी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स. सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स. तो यह जो एफ ऑफ एक्स है ये जनरल है, जनरल मीन्स कोई भी फंक्शन हो सकता है और उसके मल्टीप्लाई में कोई कॉन्स्टेंट है. तो याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट एज इट इज होगा, वो बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का. मतलब क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स. अगर फंक्शन एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन. ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन मतलब ये एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स. ठीक है, डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन. फिर ये सी, सी का मतलब है कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन नहीं है, वो कांस्टेंट अकेले में आया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो. देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है, देखिए दो चीज होती है, कांस्टेंट होता है और दूसरा होता है वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब होता है जो समय के साथ चेंज हो, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो समय के साथ चेंज नहीं होता. अगर जो समय के साथ चेंज नहीं होगा तो उसका जो टुकड़ा रहेगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हमेशा उतना का उतना रह जाएगा. इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो. अब हम देखेंगे एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव. देखिए एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, इसका आंसर होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, देखिए इसको इस तरीके से याद रखना, पावर सामने एक से कम. क्या किया मैंने, पावर को सामने ला दिया और पावर को क्या कर दिया, एक से कम. तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या हुआ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन.
क्या हुआ, पावर सामने और पावर हो गया एक से कम। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन को हमेशा इस तरीके से आना, पावर सामने एक से कम। इसके बाद क्या है, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, रूट ऑफ एक्स को हम लोग एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं बाय इंडाइसेस रूल। इसके बाद क्या होगा, देखो पावर आ गया, फिर से वही लिख देना, पावर सामने एक से कम, पावर सामने आया तो 1/2, एक से कम मतलब एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, इसको लिखेंगे 1/2, हाफ माइनस 1 मतलब एक्स टू द पावर माइनस 1/2, इसी का मतलब क्या हुआ 1/2, माइनस मतलब डिनोमिनेटर में आएगा एक्स टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2√x। मतलब क्या हो गया, देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2√x। आपको ये पूरा प्रोसेस से नहीं जाना है, मैंने आपको ये बताया कि ये आया कैसे। अगर आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछा है किसी ने तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2√x। अब देखेंगे 1/x का डेरिवेटिव। देखिए 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए 1/x का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा x इनवर्स x टू द पावर माइनस 1। देखिए इस फॉर्म में आ गया, या n की जगह क्या है माइनस 1, तो क्या होगा पावर सामने एक से कम, एक से कम मतलब 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2। माइनस 2 का मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट याद रखना है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव बहुत इजी है, उसको डायरेक्ट याद रखना 1/x। फिर आया a टू द पावर x, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x। देखिए a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू log a, तो हम लोग क्या लिखेंगे a टू द पावर x log a। ये a क्या है, a बेस है, a क्या है बेस। देखेंगे e टू द पावर x का डेरिवेटिव, देखो e टू द पावर x a टू द पावर x के जैसा ही ट्रीट होगा। कैसा है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था a टू द पावर x log a, तो इसका भी क्या होगा e टू द पावर x log e, बट log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो e टू द पावर x इंटू 1 क्या हो जाएगा e टू द पावर x। तो याद रखना अगर e टू द पावर x आ गया तो सबसे इजी डेरिवेटिव होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x ही होता है। देखिए e की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.721 होती है, इसका हम लोग लॉग निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है 1, इसलिए लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, और e टू द पावर x इंटू 1 की वैल्यू क्या होंगी e टू द पावर x ही होंगी। दैट्स वाई e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है e टू द पावर x ही होता है। देखिए आप इसे जितना भी आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तो आप इसको नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, बाद में पढ़ने के लिए काम आएगा। आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखिए इसको किस तरीके से याद रखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक का डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स कॉटेक्स। बट याद रखना जहां जहां सी आ रहे हैं ना वहां वहां क्या करना माइनस लगा देना, मीन्स कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेक कॉटेक्स। गॉट इट। अभी हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ये आपके पेज नंबर 2 में गिवन है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो दिया हुआ है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है ना, तो ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालना है। बीच में क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या फिर हम लोग एक और ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। देखिए क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। ओके, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स।
कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो अलग अलग फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। तो इसमें किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे सॉल्व करने के लिए वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स को यू मान लेते हैं और जी ऑफ एक्स को वी मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स द फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तो पहला रूल ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर u प्लस माइनस v है, प्लस या फिर माइनस, तो f डैश x का मतलब होगा du बाय dx, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा dv बाय dx। मतलब हम लोग डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं और बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। ये हमारा पहला रूल है। हमारा दूसरा रूल देखते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन का। अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू u इंटू v है, इसे हम लोग यू वी का रूल भी बोल सकते हैं, यू इंटू वी का रूल। तो एफ डैश एक्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग यू वी का फॉर्मूला, यू मल्टीप्लाई वी का फॉर्मूला। अभी हम लोग थर्ड रूल देखेंगे जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू बाय वी। सो डायरेक्टली हम लोग अगर मैं बोलूँगा यू बाय वी का फॉर्मूला लगाना है तो हमको डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस, ठीक है मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा v स्क्वायर। और यहाँ पे v इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर देखिए v इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एनी थिंग अपॉन जीरो इज़ इन्फिनिटी, इसलिए जीरो की जो v है v वो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। याद रखना अगर v अगर जीरो है तो हम लोग u बाय v का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अभी हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट। इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है y क्या है फंक्शन ऑफ u है, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y लेंगे तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, y को विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या मिलेगा हमको dy बाय du मिलेगा, ठीक है। और u को डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग क्या मिलेगा du बाय dx। ओके देखिए इसे बोलते हैं चेन रूल। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको u से u कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा dy बाय dx, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dy बाय dx। इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du इंटू du बाय dx। ऐसा हम लोग तभी बोल सकते हैं जब y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x रहे, तब हम लोग ये चेन रूल लगा सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पेज नंबर 6 का सॉल्व एग्जांपल में से पहला एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला एग्जांपल वो क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। देखिए सर सॉल्यूशन देखिए, इसे हम पहले चेन रूल से करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे, लेट सपोज कर लेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर मैंने u सपोज कर लिया तो देयरफोर y कितना हो जाएगा रूट ऑफ u हो जाएगा। देखो u के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं अपन। तो अब देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ u हो गया और u इज अ फंक्शन ऑफ x हो गया, तो हम लोग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस हियर y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, therefore we can say that dy by du is equals to dy by dx is equals to dy by du into du by dx। देखिए हमको निकालना तो वही है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको dy by dx चाहिए, तो dy by dx आ गया और इक्वल्स टू क्या है dy by du into du by dx।
मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, dy by du निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर du by dx की वैल्यू निकालना पड़ेगा और दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लोग बोलेंगे सिंस y इज इक्वल्स टू रूट u है, देयरफॉर dy by du, हमने y को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1/2 √x, तो उसी प्रकार रूट वाई का डेरिवेटिव क्या, सॉरी रूट यू का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 √y, 1/2 √u, लेकिन u की वैल्यू क्या है x2 + 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × x2 + 5। सिंस अब y हम लोग dy by du निकाल लिए, अब du by ds निकाल लेना, सिंस u इज इक्वल टू क्या है x2 + 5, देयरफोर du by dx, ठीक है हमने u को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ u की वैल्यू क्या है x2 + 5। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको सेपरेट कर लेंगे, तो क्या होगा d by dx ऑफ x2 + d by dx ऑफ 5, 5 इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x square का डेरिवेटिव क्या होता है पावर सामने एक से कम, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू 2x। तो हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू किस में पुट करेंगे 1 में करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट देयर फोर फ्रॉम 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/2 √x2 + 5 इंटू, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 2 × x, मतलब यहाँ करेंगे 2x, 2 से 2 कैंसल, x/√x2 + 5, ये किसकी वैल्यू हो गई डी वाई बाय डी एक्स, मतलब हमने y का डेरिवेटिव ले लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय चेन रूल। अभी इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ईजी मेथड है और बहुत यूजफुल मेथड है। देखिए हमको y की वैल्यू तो मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे y को, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग w.r.t से लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखिए डायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं डी देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब भी अंडरस्टूड होता है कि मीन्स डिफरेंशिएट किए इसलिए तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे ना, तो आप ऐसा लिख कर ऐसा लिख सकते हो या फिर देयरफॉर y dy by dx इक्वल्स टू जो भी है वो लिख सकते हो, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या है √x2 + 5। देखिए आपको इसमें करना क्या है, जो x square plus 5 है ना उसको एज अ x ट्रीट करना है, मींस क्या होगा d by dx ऑफ रूट x हो जाएगा, x square plus 5 को x मान लेना, ठीक है तो क्या हो जाएगा अगर इसको मैं x मानूंगा तो ये रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, है ना 2 √x, बट मैंने तो x square plus 5 को x माना था ना, तो क्या करूंगा मैं x की जगह क्या लिखूंगा x square plus 5। बात समझ में आ रही है क्या, पहले हमने क्या किया x square plus 5 को एज्यूम किए x है तो उसको एज अ x ट्रीट किए, तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ रूट x हो जाएगा, लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, 1/2 √x, बट एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू तो x है ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग x square plus 5। देखिए पहले हमने सपोज किए इसको और जिसको सपोज किए उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना, ठीक है बात सुनो, पहले मानो और उसका डेरिवेटिव लो और जिसको माने उसका फर्दर डेरिवेटिव लो उसको मल्टीप्लाई में लिखो, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग जिसको माने ना उसका डेरिवेटिव लेंगे, किसको माने हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 1/2 √x2 + 5 और क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 5, ओके कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर सामने एक से कम, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 √x2 + 5 पावर सामने एक से कम, देखिए 2 − 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा सिर्फ, मतलब पावर में 1 बच जाएगा मतलब x बच जाएगा, इसका तो 0 होगा प्लस 0 मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा,
अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आएगा, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, dy बाय dx। देखिए कितनी सिंपल मेथड है ये मेथड बहुत सिंपल भी है और बहुत यूजफुल भी है। इसको एक बार समझ लोगे ना तो डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ।